हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है कि पानी सब कुछ हल कर देता है? ये आपकी गंदगी को साफ करता है, ये आपकी प्यास को दूर करता है और इसके कंटेनरों का यूज इन्वेंशन करने के लिए होता है। कितना सही राइम है। उस जिज्ञासु तथ्य के बाद, कविता के एक टच के बाद, एक सोल्डरिंग आयरन लाएं और इस टोपी में छेद करें, जब तक कि ये एक ट्राइपोफोबिक के सबसे बुरे सपने जैसा ना दिखे। यहाँ किसी को ट्राइपोफोबिया नहीं है? है क्या? अपनी दवा कैबिनेट से कुछ एब्जॉर्बेंट कॉटन लें, या अपनी बहन से एक स्टफ्ड एनिमल लें और एक छोटा एयर फिल्टर बनाने के लिए इसे ढक्कन के पीछे रखें। ये प्रिंगल्स कैन से जुड़ा होना चाहिए जिस पर हम नाश्ता करते हैं। सबसे पहले ढक्कन को कैन पर रखें और एक सही रेफरेंस के लिए जो हमें काटना है उसकी एक आउटलाइन मार्क करें। डॉक्टर इन्वेंटर किंग, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। आपको श्रीमती कैन की तरफ के संकेतों को फॉलो करते हुए एक चीरा लगाना है। हमारी सर्जरी लगभग खत्म हो गई है। डन। ग्रेस एनाटॉमी के वो 14 सीजन काफी उपयोगी थे। फिल्टर को गर्म गोंद से कपड़े पर लगाएं, जो एक और कचरे की फिल्टर लेयर के रूप में काम करेगी। एक बार जब ये चिपक जाए और अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाए तो इसे अच्छे से कैंची से काटकर अतिरिक्त से छुटकारा पाए। मानता हूँ कि मैं कभी नहीं सीख पाया कि कैसे बहुत अच्छी तरह से काटना है। एक बार जब आपके पास पिछले सभी स्टेप्स तैयार हो जाएं, तो चेक कर लें कि आप इसे खोलने में सक्षम हैं। इसे उस छेद में डालें जिसे हमने अभी काटा है, जैसे कि आप इसे पेंच कर रहे थे, और फिर इसे ढीले होने से रोकने के लिए इसे इंस्टेंट ग्लू से सुरक्षित कर दें। अपने घर में टॉयलेट पेपर का आखिरी रोल लें और कैन के अंदर को साफ कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एयर फ्रेशनर में प्रिंगल्स की तरह खुशबू आए। ये इतना बुरा विचार नहीं होगा। एक छोटा पंखा लाएं जो छोटे कंप्यूटरों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंखे को चिप्स के बेस पर रखें और पंखे के चार कोनों को मार्क करें, ताकि हमारे तेज और शक्तिशाली बॉक्स कटर से टुकड़ा काटते समय आपके पास एक गाइड हो। सही कट्स लगाने के लिए एक रूलर या किसी सीधी वस्तु का प्रयोग करें, जिससे काम आसान हो जाएगा। इस बीच चलिए अपने कैजुअल रूटीन कॉन्वर्सेशन सेक्शन पर चलते हैं। मैं आज सुबह उठा और सोचने लगा कि आप लोगों को कौन सी अजीब स्मेल पसंद है। वैसे ये सवाल हमारे इन्वेंशन से जुड़ा है। तो हमने एक पत्थर से दो पक्षियों को मारा। मुझे वाकई इस स्पेशल मिट्टी जो कठोर हो जाती है उसकी स्मेल बहुत पसंद है, और गैसोलीन की गंध। मुझे पता है कि ये अजीब है, लेकिन जो अजीब है वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और किसी वजह से मुझे पप्पी के नाक की स्मेल भी पसंद है। मुझे लगता है कि मैं फिर से बातचीत करते करते एक्साइटेड हो गया। आइए वापस आते हैं मुद्दे पर, जिस वजह से हम यहाँ आए हैं। हमारे बॉक्स कटर के साथ पानी की बोतल के टॉप को काट लें और इसे कैन के ओपनिंग पर रख दें, ताकि हम एक परमानेंट मार्कर के साथ सटीक आकार को मार्क कर सकें जिसकी हमें आवश्यकता होगी। आपको बस प्लास्टिक के माध्यम से दिखाई देने वाले कैन की आउटलाइन का पालन करना होगा। एक बार ये मार्क हो जाए, कैंची की एक जोड़ी के साथ अतिरिक्त को काट लें और इसे प्रिंगल्स कंटेनर के अंदर फिट करें। अगर कुछ होता है तो इसे टेप और सुपर ग्लू के साथ अटैच करें। लाल तार को पंखे से संबंधित तार से जोड़कर अपना सामान्य स्नैप तार तैयार करें और इसे इंसुलेटिंग टेप से ढक दें। काले तार स्विच और स्नैप से जुड़ी बैटरी में जाएंगे। अब आपको केवल ये जांचने के लिए रूटीन फंक्शनैलिटी टेस्ट करने की आवश्यकता है कि कनेक्शन सही तरीके से काम तो कर रहे हैं। फिर पार्ट्स को स्ट्रक्चर से जोड़िए ताकि वे पूरी जगह पर ना लटकें। आखिरी टुकड़े को जोड़ने के बाद परेशान करने वाले लेकिन काम के तारों को और अधिक कॉम्पैक्ट करने के लिए डक्ट टेप के कुछ बिट्स का यूज करें। ये बहुत शक्तिशाली फैन तो नहीं है, लेकिन ये काम करेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके परिवार इसके लिए मुझे धन्यवाद देंगे। छिद्रित टोपी खोलें ताकि आप सबसे शक्तिशाली इत्र के साथ कॉटन को भिगो सकें। ढक्कन फिर से बंद करें और विपरीत ढक्कन खोलें। सब तैयार है। हमारा अप्रिय ओडोर एक्सट्रैक्टर तैयार है। जब पंखा चलता है तो ये पेटूनिया परफ्यूम की गंध छोड़ेगा और बहुत ज्यादा दुर्गंध से छुटकारा दिलाएगा, जैसा कि आपके स्नीकर्स या जूतों से ग्रुरी चीज। मुझे पता है कि ये यहाँ आप में से एक से ज्यादा की मदद करेगा। हम में से लगभग लोगों को एक ही समस्या है। इससे आप एनोइंग टेलकम पाउडर को बदल सकते हैं, जिससे आपके जूते का अंदर का हिस्सा कैस्पर जैसा दिखने लगेगा, और तुम्हारी पैंट। किसी कारणवश मैं जो कुछ भी पहनता हूँ वो उतर जाता है। निम्नलिखित इन्वेंशंस को स्पॉन्सर किया है इस ग्रह पर अब तक बनाई गई सबसे अद्भुत और स्वादिष्ट सॉफ्ट ड्रिंक ने। ओह, स्वादिष्ट मीठा अमृत। टोपी को हटाने के बाद विपरीत दिशा में दो छेद करें, ताकि उनके माध्यम से एक इलास्टिक वस्तु को बांधने में सक्षम हो, जो स्पष्ट रूप से एक रबर बैंड होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले बैंड को खोलने के लिए एक कट बनाएं और नाभिक की गांठ का उपयोग करके प्रत्येक छोर को एक छेद से बांध दें। एक बार जब ये छोटे सैनिक के हेलमेट की तरह दिखने लगे, तो टॉयलेट पेपर का एक स्क्वायर लेने के लिए आगे बढ़ें।
लेकिन ये इस बार कुछ भी साफ करने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये आपको अब मोबाइल गेम्स में इतना बुरा नहीं होने में मदद करेगा। टॉयलेट पेपर को एक छोटी गेंद में रोल करें और इसे किचन फॉइल में तब तक लपेटें जब तक कि ये धातु की गेंद की तरह ना दिखे। थोड़े से हॉट ग्लू के साथ रबर बैंड के ढक्कन के अंदर की ओर अभी बनाई गई छोटी गेंद को अटैच करें। इससे हमारा पहला बटन तैयार हो जाएगा। लकड़ी की दो पतली छड़े लें और गोल भाग को काट लें। फिर मिनी प्लायर्स के साथ कुछ लंबे टुकड़े काट लें। एक बार जब हमारे पास दो छोटे लकड़ी के बोर्ड तैयार हो जाते हैं तो उन्हें एक क्रॉस आकार में एक साथ हॉट ग्लू से चिपका दें। मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देता हूँ, आमीन। आशीर्वाद छोटे क्रॉस के लिए है। एक और इलास्टिक स्ट्रिप अटैच करने के लिए क्रॉस के दो सिरों पर गर्म गोंद की कुछ बूंदें लगाएं, जो हमें उन बटनों को होल्ड करने में मदद करेगी जहां हमें उनकी आवश्यकता है। नकली इमिटेटेड प्लेस्टेशन कंट्रोलर से बटन निकालें और प्रत्येक को उनके मूल क्रम में क्रॉस हेड पर चिपका दें। मैं ऑर्डर उनके लिए कहूंगा जिन्होंने पहले कभी प्लेस्टेशन कंट्रोलर नहीं देखा है या जो एक्सबॉक्स के ज्यादा फैन हैं। हम यहाँ किसी को जज नहीं करते, भले ही उनका स्वाद खराब हो। क्रॉस डाउन, ट्राइंगल अप, सर्कल राइट और स्क्वायर लेफ्ट, एक GTA कोड की तरह लगता है। हर छोर के पीछे गर्म गोंद लगाएं और उसमें अटैच करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल की चार छोटी गेंदें बनाएं। इतना सुंदर और छोटा। जब मैं आपको इस प्रक्रिया को स्क्रीन पर दिखाता हूँ तो मैं आपको अपने वेलिंग वेल के रूप में उपयोग करूंगा। मोबाइल गेम के लिए बनाया गया ये इन्वेंशन मुझे याद दिलाता है कि मैंने काफी महीनों से नहीं खेला है। मेरे पास पिछले साल दिसंबर से 14 गेम खेलने बाकी है। मैं अब और अडल्ट नहीं बनना चाहता, मुझे इस पीड़ा से बचाओ। हाँ, मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन को माफ करें। फॉर्टनाइट के कुछ खेलों के साथ इन्वेंशन को टेस्ट करने के लिए अपना फोन निकालें। मैं यहाँ से देखूंगा, मुझे काम करना है। ऐसा लगता है ये सही काम करता है। मुझे यकीन है कि इसके साथ आप कम से कम एक बॉट को खत्म करने में सफल होंगे और खेल में सबसे खराब नहीं होंगे। अच्छा जी, आप इसे ऐसे ही कहते हैं ना। आज का आखिरी इन्वेंशन भोजन से बना है और इसका यूज अधिक भोजन बनाने के लिए किया जाता है। तरबूज के बीच में लपेटने के लिए तार का एक रोल निकाल लें। इसे एक सुपर टाइट गांठ में बांधें, जैसे कि जब आप अपने हेडफोन को अपनी जेब में रखते हैं तो क्या होता है। फिर उसमें एक बड़ा टूथपिक चिपका दें जो आपके मुड़ते ही डोरी को कस देगा। चूंकि मुझे अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम टेप के कुछ टुकड़ों का उपयोग करेंगे ताकि इसे 1 मिलीमीटर भी हिलने से रोका जा सके। अच्छा, ये हो जाना चाहिए। एक परमानेंट मार्कर के साथ स्ट्रिंग द्वारा चिन्हित रेखा के बाद हमारे तरबूज की रूपरेखा का पता लगाएं। हमारे गाइड के हो जाने के बाद अगला कदम ये होगा कि आप अपने फल से सब कुछ हटा दें और अपनी किनू को टुकड़ों में विभाजित कर लें। या ये आपका तरबूज वेजेस में होगा। अच्छी बात यह है कि हम इसे लाइन के साथ काटने जा रहे हैं। उफ, मुझे इसे काटने में मुश्किल हो रही है। ये तरबूज सब्जी से ज्यादा सख्त है। मैं इस फल का सारा गूदा खा सकता था, लेकिन मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था। मैं एक चरम मांसाहारी के रूप में भी पहचाना जाता हूँ, इसलिए मैं कुछ सॉसेज को ग्रिल करने में सक्षम होने के लिए इस इन्वेंशन को जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। खैर, मैं इसे बाद के लिए सेव करूंगा। जब तक मैं ये सब तरबूज खाली कर रहा हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है। मेरे पसंदीदा संतरे हैं और किनू आम भी, लेकिन मैं उन्हें मुश्किल से खाता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मुझे मांसाहारी भोजन ज्यादा पसंद है। अब जबकि जो कुछ बचा है वो है दोनों हिस्सों से सख्त और अच्छी तरह से धुला हुआ शेल। हम रोमांचक भाग से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, मैं खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। एल्यूमिनियम फॉइल के एक अच्छे टुकड़े के साथ हमारे चारकोल की चिलचिलाती गर्मी का सपोर्ट करने के लिए अंदरूनी हिस्सों में से एक को कवर करें। इस जली हुई लकड़ी के कुछ टुकड़ों को एल्यूमिनियम के शेल में रखें और ग्रिल को इकट्ठा करने के लिए ढेर सारी छड़े लें। तरबूज के किनारों के माध्यम से छड़ियां डालें। ध्यान रखें कि वे 1000 टुकड़ों में ना टूटें। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धैर्य और पूरी ताकत से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जैसे ही आप उन्हें डालें, प्रत्येक छड़ी के उभरे हुए टुकड़े को काट लें। आज का रैंडम क्वेश्चन, क्या आप रोस्ट बीफ या हैमबर्गर पसंद करते हैं? मैं इसके टॉर्टिला, क्वासा डेलास, गुआकामोल और बीन्स के साथ 1000 गुना अधिक बीफ पसंद करता हूँ। इससे मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इनमें से दो और सुपर स्टिक ग्रिल के माध्यम से नीचे तक डालें। प्लायर्स की एक जोड़ी के साथ टॉप पर अतिरिक्त काट लें और तरबूज के दूसरे आधे हिस्से को ढक्कन के रूप में रखें। अब क्या हम इसे करने जा रहे हैं या नहीं? 10 सॉसेजेस। अपने सॉसेज को हमारे इको फ्रेंडली ग्रिल में फेंक दें और चारकोल को उस तकनीक से जलाएं जो आपके लिए सबसे आसान है। मैं इसे आसान बनाने के लिए नैपकिन और तेल का उपयोग करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि माचिस की तीलियों के साथ इसमें काफी टाइम लगेगा। इससे पहले कि हम अपने दांतों को उनमें डुबो सके, हमारे मांसल दोस्तों के लिए एक अच्छा टैन पाने के लिए बस कुछ मिनट वेट करना है। जरा देखिए कि उनके पास कितना स्वादिष्ट रंग है। जूलियो, केविन, आओ और मेरा सॉसेज खाओ।
ये स्वादिष्ट है। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशन। ऐसे ही और भी सिंपल और अमेजिंग इन्वेंशन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ दो इन्वेंशन के लिंक भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम की